मलारगढ़ तहसील के गांव बरखेड़ा पंथ में श्री राधे कृष्ण गौशाला में समिति के तत्वावधान में पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने पौधा लगाने के साथ इसकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया। कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया ने बताया कि पर्यावरण स्वच्छ वृक्षों के द्वारा ही होता है और साथ ही हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर वृक्ष हमें ऑक्सीजन के रूप में जीवन दान देते हैं। इसके अलावा वृक्षों के द्वारा हमें सुंदर फूल, स्वादिष्ट फल प्राप्त होते हैं। हमारे जीवन में वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। हमारा पर्यावरण संतुलित वृक्षों के द्वारा ही होता है। इस अवसर पर समिति के सदस्य, सरपंच और कांग्रेस के पदाधिकारी, ग्रामीण जन मौजूद रहे। आम जन से अपील करता हूं कि सारे लोग, सारे समाज सेवी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, सब अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधे लगाएं ताकि प्रकृति की रक्षा की जाए। और आज पौधे आए दिन कटते जा रहे हैं, जिससे मौसम जो होना चाहिए उस प्रकार से समय पर बारिश नहीं हो रही है, तेज़ गर्मी पड़ती है, तेज़ ठंड पड़ती है। इसी कारण से होती है कि प्रकृति का कहीं ना कहीं दोहन हुआ है। अगर इस प्रकार से हम वृक्ष लगाएंगे तो निश्चित तौर पर प्रकृति हमारा, इंसानों का भी साथ देगी। मल्हारगढ़ से महेश मरेठा की रिपोर्ट।